तो ये हमारे पास एक न्यू वॉच है, अभी इसे हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस कंपनी का ये वॉच है। ठीक है, अब इसमें से हम एक वॉच का डब्बा निकालें। ये कंपनी का ये, इस डब्बे को साइड करते हैं। ये कंपनी का ये वॉच है, फास्ट ट्रैक का, कुछ इस टाइप का है। और ये इसका टैग है, फास्ट ट्रैक का। देन इसका हम ओपन करते हैं, ये इस टाइप से ओपन होता है। काफी सारी चीजें हैं जो ऐड किया हुआ है ये वॉच। तो इसका ढक्कन को अलग करते हैं एंड अब वॉच को निकालते हैं, वॉच का जो इस टाइप का क्वालिटी। अब इसे हम निकाल रहे हैं, इसमें से देखते हैं क्या क्या चीज निकलता है इस वॉच में से। ये काफी लुक में अच्छा दिख रहा है। यहाँ देखो इस टाइप का इसका ये कवर है। इसका बेल्ट जो है काफी सॉफ्ट दिख रहा है, भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। मैं इसे ओपन करता हूँ, ये इसका जो बेल्ट है काफी सॉफ्ट है। एंड इसका ये टैग लगा हुआ है फास्ट ट्रैक का यहाँ पे। अभी हम इसे साइड में रखते हैं एंड इसके अंदर से देखते हैं क्या क्या चीज निकलता है। तो ये इसका चार्जर है जो इस टाइप का है, इस टाइप का आता है चार्जर। इसमें रख करके हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का चार्जर है। एंड और क्या निकलता है इसमें, और कुछ भी नहीं है, डब्बा खाली है। ठीक है, तो इसे हम वापस इसी में रखते हैं एंड हम इस वॉच को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लिख रहा है प्लीज चार्ज टू एक्टिव द वॉच। तो इसे सबसे पहले हम चार्ज में लगा दें, उसके बाद ये ओपन। तो अभी इसे हम चार्ज में लगा रहे हैं और ये इसका चार्जर है इस टाइप का, ठीक है। इसको यहाँ पे लगाना पड़ता है इस सेंटर में। जैसे आप इसे क्लोज करते थे ऑटोमेटिक इस तरह से चिपक जाएगा, ठीक है। ये अभी चिपक नहीं रहा है, ये ऐसे ऑटोमेटिक ये चिपक जाएगा, ठीक है। और ये हमारा वॉच जो है चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। अभी इसे हम ओपन कर दें। वाह, नाइस डिस्प्ले, ये टैग है इसका, ठीक है। ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ लिख रहा है, आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम ओपन करते हैं। इसके लिए इसका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हमें डाउनलोड करते हैं, उसके बाद इसका सारा चेकअप करेंगे अभी। तो ये है फास्ट स्मार्ट वर्ल्ड का ये वॉच एप्लीकेशन। देन इसे आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से एंड इसको यहाँ से ओपन करने के बाद ये स्कैनर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन करके कुछ इस तरह से इसको एक्टिव करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मोबाइल में यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन देगा, कंटिन्यू, एंड यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा, ओके। देन ये मेरा वॉच जो है ओपन हो चुका है। इसमें काफ़ी सारे फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे सारा मेनू यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। तो इस वॉच में काफ़ी सारे फैसिलिटी दिया हुआ है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं।